कहते हैं सिर्फ शैतान के ही सींग होते हैं। पौराणिक कथाओं में हम जितने भी असुरों को देखते हैं या सुनते हैं, उनकी पहचान लंबे लंबे सींगों से ही की जाती रही है। बड़े बुजुर्गों के मुंह से भी जब किसी दैत्य, असुर या किसी राक्षसी व्यक्तित्व वाले इंसान का जिक्र सुनाई देता है, तो भी उनके इस जिक्र में उस व्यक्ति का बाहरी स्वरूप सामान्य न होकर डरावना ही होता है। यहाँ तक कि दादी नानी की कहानियाँ, जिससे वह छोटे छोटे बच्चों को डराती है, उसमें भी सिंगों वाले राक्षस का ही जिक्र होता है। अभी तक तो आप इसे सिर्फ मनगढ़ंत कहानी के तौर पर देखते थे, लेकिन जरा सोचिए, अगर असल में वही शैतान आपके सामने अवतरित हो जाए तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, उन किस्सों कहानियों में जिस सिंगों वाले राक्षस का जिक्र होता था, वह आज असलियत का रूप लेकर हमारे ही समाज का एक हिस्सा है। अब आप माने या ना माने, लेकिन बिहार के सलेमपुर गाँव में रहने वाले 65 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश कापरी के सिर पर अचानक सिंह उगने लगे हैं। उनके सर पर उगा सिंह स्थाई और जानवर के सिर पर मौजूद सिंगों की ही तरह मजबूत है, जिसे देखकर आसपास के लोग, यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान हैं। डॉक्टरों का कहना है कि अपने मेडिकल करियर में यह अपनी तरह का पहला मामला है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन जगदीश के एक रिश्तेदार के अनुसार, सर्दियों के समय जब जगदीश ऊनी टोपी पहना करते थे, तो उनका सिंह उनकी टोपी फाड़ कर बाहर आ गया था। तब सभी लोग देखकर बहुत हैरान हुए थे, और जब उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया तो डॉक्टर भी उनके इस सिंह के असल होने पर भरोसा नहीं कर पाए। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार मांस के टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से वह शरीर के किसी अंग से बाहर निकलने लगते हैं। लेकिन यह पहला मामला है जब शरीर में से सिंह बाहर निकले हैं। उनके अनुसार मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा कोई मामला नहीं आया है। जगदीश की माने तो सिर के सिंह उन्हें परेशान तो नहीं करते हैं, लेकिन अचानक से सिंह उग जाना उनके लिए बहुत अजीब है, जिसकी वजह से वो बहुत ही डरे सहमे हुए रहते हैं। जगदीश की उम्र देखते हुए डॉक्टर उनका ऑपरेशन करने से भी कतरा रहे हैं, इसलिए जगदीश भी यह उम्मीद छोड़ चुके हैं। डॉक्टर जहां इस केस को विज्ञान की दृष्टि से देख रहे हैं, वहीं जगदीश के गांव वालों का कुछ और ही कहना है। गाँव वालों की माने तो यह उनके पूर्व जन्म से संबंधित है। किसी इंसान के शरीर में दैत्य सिंगों का उगना सामान्य बात नहीं है, जरूर इसका वास्ता उनके पूर्व जन्म में किए गए कर्मों से है। अब यह तो अपनी अपनी मान्यता पर आधारित है कि हम किसे सच मानते हैं और किसे झूठ, लेकिन जो भी है, एक बात तो है कि मामला बहुत ही गजब का है। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें।